Forming the experiment, the main object is to determine the resistance per unit length wire of carey crossner bridge and hence to determine the low resistance. मीटर ब्रिज में भी एक रूलर होती है जो 100 सेंटीमीटर की होती है जिसके दोनों साइड पे स्केल्स होते हैं जिसमें से हम दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं. अगर हम किसी एक स्केल को हमारे एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हमें पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट उसी स्केल को यूज़ करना है. ये एक वीटस्टोन ब्रिज पे बेस प्रिंसिपल है. इसके चार रेजिस्टेंस है जिसमें से हमको तीन नोन रेजिस्टेंस है और एक जो है अननोन PQRS. ये था हमारा मीटर ब्रिज. अब हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया. गैल्वेनोमीटर के एक पार्ट को हमने मीटर ब्रिज से कनेक्ट किया है और दूसरे को हमने जॉकी स्टिक से कनेक्ट किया. जॉकी स्टिक हम कॉपर वायर पर धीरे से मूव करेंगे, स्लाइटली मूव करेंगे, जिससे हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर पे शो. अब हम इसे स्टार्ट करेंगे. ये यहाँ पर इसे पावर बटन ये है, स्विच बटन है ना. अब हमें कैरी फ्रस्ट्रेशन ब्रिज को चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं. तो हम जो जॉकी स्टिक है उसको पहले टूवर्ड्स द लेफ्ट पूरा एक बार स्लाइड करेंगे. अगर वो गैल्वेनोमीटर पे पूरा डिफ्लेक्शन लेफ्ट की साइड बताता है और राइट साइड पे स्लाइड करने पे पूरा डिफ्लेक्शन राइट की साइड बताता है, मतलब हमारा जो मीटर ब्रिज है और जो गैल्वेनोमीटर है इनका कनेक्शन सही है और कैरी फ्रस्ट्रेशन ब्रिज सही से काम कर रहा है. अपने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है रो इज इक्वल टू एक्स बाय एल टू माइनस एल वन, जिसमें x जो है वो लेफ्ट साइड की गैप का रेजिस्टेंस है और राइट साइड की गैप में जो रेजिस्टेंस है वो है y जो हम जीरो मानते हैं. L2 इसकी राइट साइड से मेजर करने वाली लेंथ है और L1 इसके लेफ्ट साइड से मेजर करने वाली लेंथ है. यहाँ पे जो रो है वो हमारा रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसकी यूनिट होती है ओम पर सेंटीमीटर. तो हमारा जो फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू x अपॉन L2 माइनस L1, जो x है वो हमारा रेजिस्टेंस है जो हमने एक्सपेरिमेंट में लिया था और जो L2 माइनस L1 है वो हमारी लेंथ का डिफरेंस है जो हमने निकाला है वो सेंटीमीटर में है. अब हम रेजिस्टिविटी की हेल्प से रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू x माइनस रो L2 माइनस L1, इसकी यूनिट है ओम. ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है. सबसे पहले अपन को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब रो की वैल्यू फाइंड करनी है. रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारा x ओम है, ये हमारा y ओम है. तो अपन ये y की वैल्यू इधर इसको कांस्टेंट रखेंगे और x को वेरी करते जाएंगे और L1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. जैसे x 0 पे था तो L1 की वैल्यू 50 आई. सिमिलरली 0.25 पे था तो 57 आया. 0.50 में 69.5. सिमिलरली L1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. L1 की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम y को वेरी करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास L2 की वैल्यू आएगी. उसके बाद L2 माइनस L1 इसको इससे माइनस करेंगे. रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला x अपॉन L2 माइनस L1 इस पे अपन सेट करेंगे तो रो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. इसका मीन निकालेंगे तो हमारा मीन रो की वैल्यू 0.0622 ओम पर सेंटीमीटर. सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करना है. रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन y को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देंगे, मतलब माना कि 0.5 पे फिक्स कर दिया. वाई की वैल्यू फिक्स करने के बाद अपन एक्स को वेरी करते जाएंगे 0.25 वेरी करने के बाद अपन L1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. L1 की वैल्यू फाइंड होने के बाद अपन अब एक्स को पर्टिकुलर वैल्यू पे जो वाई पे अपन ने कांस्टेंट रखा था सिमिलरली एक्स को भी उसी वैल्यू पे कांस्टेंट रखना है और पर्टिकुलर वैल्यू पे L2 की वैल्यू फाइंड करनी है. L1 L2 की वैल्यू फाइंड होने के बाद अपन L2 माइनस L1 करेंगे. सिमिलरली y की वैल्यू x माइनस रू L2 माइनस L1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और मीन निकालने के लिए इसका अपन मीन निकालेंगे. तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर जगह 0.5 जो हमने x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कांस्टेंट रखी थी 0.5 पे हमने सेट करा था. ऑब्जर्वेशन टेबल की मदद से हमने रिजल्ट निकाला है. रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द कैरी क्रॉसनर ब्रिज इज 0.0622 ओम पर cm. ये रेजिस्टेंस हमने एक रेजिस्टेंस को जीरो रख के दूसरे को वेरी करके निकाला था. L1 को एक बार जीरो रखा था फिर L2 को एक बार जीरो रख के निकाला था. और सेकंड ऑब्जर्वेशन की टेबल से हम रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर निकाला है 0.752. इस टाइम हमने एक रेजिस्टेंस को रखा था x = 0.05 और ये अप्रोक्स आया है हमारा रिजल्ट 0.572 के बराबर. तो ये करीबन इक्वल ही है. डेटा सेंसिटिविटी के लिए हमें चारों रेजिस्टेंस इसके नियरली इक्वल रखने चाहिए. ऑल कनेक्शन शुड बी प्रॉपरली टाइड. सबसे बड़ी सावधानी हमें ये रखनी है कि जॉकी को तांबे के तार से ऐसे घिसते हुए नहीं ले जाना है. इसको
ऐसे टैप कर करके देखना है कहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा घिसने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और रीडिंग सही से नहीं आएगी।